सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव के 551वें प्रकाश उत्सव पर्व पर धर्मशाला स्थित जटाशंकर गुरुद्वारा पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रकाश पर्व के अवसर पर गुरुद्वारा में सुबह 9 बजे से कार्यक्रम का शुभारंभ कर दिया गया, जिस पर श्रद्धालुओं ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए गुरुद्वारे में आकर मत्था टेक कर गुरु नानक देव का आशीर्वाद लिया, जिससे कि गुरुद्वारे में सोशल डिस्टेंस का पालन हो सके। इस वर्ष कोरोना संक्रमण को देखते हुए संख्या भी सीमित रही और लंगर का आयोजन नहीं किया गया। इसके संबंध में जटाशंकर गुरुद्वारा के अध्यक्ष जसपाल सिंह ने बताया कि गुरु नानक देव का प्रकाश उत्सव 1469 में हुआ था। उस समय देश की स्थिति बहुत खराब थी, जिस पर गुरु नानक देव ने स्थिति को सुधारने के लिए स्वयं 4 जगहों का यात्रा किया था, जिसमें यह जटाशंकर गुरुद्वारा भी शामिल है। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए इस साल की शोभा यात्रा नहीं निकाली गई। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जटाशंकर गुरुद्वारा के अध्यक्ष जसपाल सिंह ने कहा, मैं जसपाल सिंह, अध्यक्ष गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा जटाशंकर गोरखपुर से बोल रहा हूँ। आज गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा जटाशंकर गोरखपुर में श्री गुरु नानक देव जी का 551वां प्रकाश पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए इस वर्ष हम लोगों ने कई कार्यक्रम में परिवर्तन किया है। जैसे आज सुबह 9 बजे से कार्यक्रम शुरू हो चुका है और संगत से बार बार अनुरोध किया जा रहा है कि मत्था टेक के प्रसाद लेके लंगर लेके घर जाए, क्योंकि कोरोना संक्रमण के कारण किसी तरह का भी हम जोखिम नहीं उठा सकते हैं। इसलिए यहाँ पर ये व्यवस्था की गई, सैनिटाइजर की व्यवस्था है और सब तरह की व्यवस्था है। और आज गुरु नानक देव जी का 551वां प्रकाश पर्व हम लोग बहुत धूमधाम से मना रहे हैं। श्री गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व 1469 में हुआ था, उसके उपरांत वो उस समय विश्व की स्थितियाँ बहुत ख़राब थी, भयंकर थी। तो श्री गुरु नानक देव जी ने अपने जीवन में लोगों को सुधारने के लिए 4 यात्राएं की थी, जिसमें एक दफ़ा वो श्री गुरु नानक देव जी गोरखपुर में इसी स्थान पर आए थे और ठहरे थे। उन्हीं के याद में ये गुरुद्वारा का निर्माण हुआ है। आज गुरुद्वारे में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम चल रहे हैं, लोग आ रहे हैं, मत्था टेक रहे हैं, आप देख रहे हैं मत्था टेक रहे हैं और चले जा रहे हैं। यहाँ पर बार बार अनुरोध किया जा रहा है और इस वर्ष हम लोगों ने प्रकाश यात्रा भी निकलने वाली शोभा यात्रा भी नहीं निकाली है। धन्यवाद।